कांग्रेस पार्टी से ही नगर पंचायत कप्तानगंज का विकास संभव है। चेयरमैन प्रत्याशी इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा, नगर पंचायत कप्तानगंज से कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि बसपा टिकट की दुकान में टिकट नहीं खरीद पाया। चंद्रशेखर वर्मा नेता जी अपना परिचय दे दीजिए हमारे ग्राम दर्शकों को। मेरा नाम इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा है, निवासी मटेनिया गांव का हूँ, रहने वाला हूँ और मैं इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नगर पंचायत कप्तानगंज। नगर पंचायत कप्तानगंज में मुख्य क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आप मैदान में उतरे हैं? नगर पंचायत में बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार सब मेन समस्या है। पहले भी आप समाज सेवा से जुड़े हुए थे, कप्तानगंज के मूल निवासी हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर से पहले अभी नया नगर पंचायत बना है, पहले प्रधानी थी जी। उस समय क्या कुछ है, इस तरह का विकास कार्य नहीं हो पाया था जो अब बचा हुआ है? नहीं नहीं, प्रधानी कार्यकाल में तो 2 साल 2.5 साल तो प्रधानी कार्यकाल भी पड़ा रहा, कोई काम नहीं हुआ। अभी सारे काम अधूरे हैं, प्रधानी कार्यकाल का भी काम अधूरा है। उसके बाद नाली, सड़क, शिक्षा, रोजगार पड़ा हुआ है 2.5 साल से लगभग। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या आएगा? अगर चुनाव मैं जीतता हूं तो प्रथम तो शिक्षा का, रोजगार, नाली, पानी सब ये सब सफाई, यही प्रथम समस्या है। जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहता है कि जनता के लोग सहयोग करें, लोग को समर्थन दें। आप पहले बसपा से दावेदारी कर रहे थे, फिर अचानक कांग्रेस में आ गए, इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? ये बसपा एक दुकान है, दुकान पे चाहे जो कस्टमर, चाहे आप जाए, चाहे हम जाए, चाहे जो भी अच्छा दाम देगा उसी को टिकट मिलेगा। मैं तो 15 साल से बसपा में कार्यकर्ता की हैसियत से कार्यकर्ता रहा, लास्ट में मेरा पैसा भी लोग गुमराह कर खा पी लिए, उसके बाद लास्ट में मैं पैसा भी दे रहा था जो दे रहा था, लेकिन टिकट नहीं दी, टिकट नहीं मिला। उसका कुछ असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? चुनाव पे असर यही है, बसपा सारे कार्यकर्ता, बसपा के वोटर सारे साफ।